सोलन में कोरोना वायरस के चलते बहुत दिहाड़ीदार लोग अपने घरों में फंस कर रह गए हैं। ये लोग वो थे जो रोज कमाते थे और रोज खाते थे। ये गरीब बेबस लगातार ज्यादातर यूपी और बिहार के अलावा नेपाल के हैं, जो रोजी रोटी कमाने के लिए सोलन पहुंचे थे। कर्फ्यू के दौरान इनके घर का राशन भी खत्म होने लगा था। इन्हें राशन की चिंता सताने लगी थी। ये बात जब जिला प्रशासन के साथ सोलन के सामाजिक संस्थाओं तक पहुंची, जिसको लेकर जिला प्रशासन सामाजिक संस्थाओं के साथ राजनीतिक दलों ने भी इन लोगों को अपने स्तर पर राशन देना आरंभ किया। राहत सामग्री के लिए लोग अब सड़कों पर आने लगे और निःशुल्क मिलता देखकर वे अपने घर में राशन को भी स्टोर करने लगे हैं, जिसकी खबर जैसे ही जिला प्रशासन को लगी तो उन्होंने लोगों के घर के वीडियो बनाने आरंभ कर दिए और हकीकत शहरवासियों के समक्ष रखी। अब जिला प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से राशन वितरण करने पर मनाही लगा दी है। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने बताया कि राशन लोग विभिन्न माध्यमों से अपने घरों में स्टोर कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सभी संस्थाओं और राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि जब तक राहत सामग्री बांटी जाएगी, वे जिला प्रशासन के माध्यम से ही बांटी जाएगी। जो भी संस्था लोगों की मदद करना चाहता है, वह जिला प्रशासन के माध्यम से करे। तक राशन की स्थिति है, हमने सारी सेगमेंट की पॉकेट्स की मैपिंग की है। प्रशासन ने पहले ही घर घर वहाँ पे जाके 10 दिन का राशन दिया है, और हमने जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके सहयोग से हमने काफ़ी जगह राशन दिया है उनको। एक ये कहा गया है कि उनसे ये अपील की कि कोई भी राशन इंडिपेंडेंटली ना बांटे, क्योंकि लोगों में कईयों में ये भी है कि लोग स्टॉकिंग कर रहे हैं। हमने बहुत क्रॉस चेक किया, हमने राशन दिया, फिर कॉल आई, फिर क्रॉस चेक किया, तो कई जगह 10 में से 8 केस ऐसे थे जिनके पास राशन था, उन्होंने संग्रह करने की इनमें भावना थी। तो मेरा सभी संस्थाओं से अपील है, आप दान करें। ठीक है, ये दान वो प्रशासन के माध्यम से वांछित लोगों तक पहुंचे जो जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और ये हमने सारा कार्य कर दिया है। और हमने दो राधा स्वामी सत्संग में ऐसे जो गृहहीन है, शेल्टर है, जिन लोगों को बिल्कुल ना रहने की ये खाने की या व्यवस्था नहीं है, जो ऐसे फिर भी रह गए वो हमारे संज्ञान में लाए। राधा स्वामी सत्संग भवन रमौन में वहाँ पे उनकी व्यवस्था की गई, जहाँ कम्युनिटी किचन रोल किया गया है और लोगों को सवेरे शाम भोजन चाय सब दी जाती है, और योगा भी होता है वहाँ, उनको अच्छा भरपूर सारा शारीरिक जो कार्यक्रम है वो किए जाते हैं।